ये चाइनीज ब्रांड है लेकिन इसके ना कपड़े अच्छे हैं हमारे H&M की तरह। H&M से तो बेटर ही है, इसके महंगे हैं, H&M से भी महंगे। अब ये है इसका, ये है 72। देखो बच्चे बर्फ से कैसे खेल रहे हैं, वो बना के तिल वाला एक पता नहीं क्या खिलौना सा लेके रखे हैं। कितना सुंदर बनाया है। अच्छा ये उससे एक खिलौने से बनाया हुआ है इन्होंने। भाई अब हम आए हैं इनकी एक छोटी लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट क्या, लोकल का एक अच्छी मार्केट मतलब एक स्ट्रीट है जिसमें आपको ब्रांडेड कप मतलब ब्रांडेड जितने भी स्टोर हैं, नाइकी एडिडास जो इनके खुद के चाइनीज ब्रांड है, वो जैसे एंथा है, ये मैं पहले इससे इसके कपड़े खरीद चुका हूँ, तो ये सब अभी देखते हैं इसमें कैसे। ये मतलब स्ट्रीट अच्छी स्ट्रीट है, जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना कोई अच्छी स्ट्रीट, जैसे अभी फरीदाबाद में वो बनी है तुम्हारी सीपी वालों की, कौन सी है वो अभी गया था यार मौसम, वैसी स्ट्रीट है इसमें। ये चाइनीज ब्रांड है लेकिन इसके ना कपड़े अच्छे हैं हमारे H&M की तरह। H&M से तो बेटर ही है, इसके महंगे हैं, H&M से भी महंगे। अब ये है इसका, ये है 7200 रुपए की ये जैकेट, तो इसका मतलब ये H&M से महंगी है लेकिन है अच्छी। ये जूते कितने का है? अच्छा तो अच्छे है। ये है तुम्हारा 6000 रुपए का। यार ये ब्रांड तो अच्छा है लेकिन इसमें ना जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज मिल नहीं रही। स्ट्रीट स्ट्रीट के बाहर का बाहर मार्केट का देखते हैं यार, अंदर तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा इसमें, मतलब वो चीज नहीं मिली जो होनी चाहिए थी ना। सारे ब्रांड मतलब मोस्टली तो चाइनीज ही है। नाइकी अभी पीछे मैं देख के आया हूँ, नाइकी ठीक था बट जो इनका आर्टिकल्स थे ना वो इतने खास नहीं थे इसमें। मैं एयर जॉर्डन देखने गया था, लो एयर जॉर्डन लो यहाँ पे था ही नहीं, था तो एक दो था उसमें कलर अच्छे नहीं थे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये तो स्ट्रीट मतलब ये ब्रांडेड स्टोर्स हो गए और ये यहाँ पे अपना खाना वाने का लगाया हुआ है इन्होंने। तो शाम को अब आजकल तो यहाँ पे वो स्नोफॉल हुई थी कल, तो उसकी वजह से यहाँ बारिश बारिश पड़ रही है तो लोग अभी कम है। तुम यहाँ पे मेरे दोस्त बोल रहा था कि अगर यहाँ पे स्नोफॉल ना होती ना तो शाम को यहाँ पे भरा रहता है पूरा का पूरा। ये कोई इनका लोकल ब्रांड है, मेरे को तो बाहर से सही नहीं लग रहा इसकी शूज। चौ मन हो चुका हो चुका हाँ छे में ही हो समा ये बोल रहा है सामने ना, मैं तो बोल रहा था, मैंने कहा चल वापस चलते हैं, तो ये बोल रहा है कि सामने एक वो है कहीं डांस वगैरह करते हैं लोग, तो उसका डांस वांस देखने चलते हैं अगर है तो कुछ तो। हाँ यार ये पटाखे वटाखे तो फूट रहे हैं यहाँ पे। मार्केट देखते हैं भाई कैसे मार्केट, तो मतलब ये सही है, अच्छी स्ट्रीट है, मेरे को अच्छी स्ट्रीट लगी। हाँ शहर में टाउन के हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रीट है यार। हमारे यहाँ कहाँ है ऐसी स्ट्रीट, वहाँ ही है अभी फरीदाबाद में, लेकिन वो स्ट्रीट अभी कम्प्लीटली वहाँ पर कोई जाते ही नहीं है, खाली जितने भी वहाँ फोटो वोटो खिंचाने जाते हैं, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। और कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में तो कहीं नहीं है, नोएडा में भी कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है, मतलब मॉल वगैरह तो है। ये देखो बच्चे बर्फ से कैसे खेल रहे हैं, वो बना के तिल वाला एक पता नहीं क्या खिलौना सा लेके रखे हैं। कितना सुंदर बनाया है। अच्छा ये उससे एक खिलौने से बनाया हुआ है इन्होंने। वापिस रख देते हैं कभी भाई लड़ने लगे। ये बना दिया उसने एक खोल के खराब हो गया उसका बेचारा। भैया स्ट्रीट पे ना कुछ वेज मिल रहा था खाने को, ये पनीर है और ये पोटैटो का कुछ बन रहा है, मैंने कहा चल ट्राई करते हैं क्या है खाने का, खाने के बाद पता चलेगा कैसा है टेस्ट। वैसे यार यहाँ का हमारा और इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। ये 60 रुपए का है, अभी देखते हैं क्या देंगे 60 रुपए में आलू और इसको। ये मेरे को लग रहा है वही अपने करोल बाग वाले ना आलू चाट है, आलू चाट में बस थोड़ा सा ये है पनीर वगैरह मिक्स कर दिया है, बाकी टेस्ट तो 100% अलग होगा। टेस्ट
मेरे को नहीं लगता भाई। लाल मिर्च लाल मिर्च बनती है तो मैं तो खाते ही नहीं लाल मिर्च। ठीक है प्याज है इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च है पुदीना है हो गया तैयार। चलो ये अब हम टेस्ट करते हैं बताता हूँ कैसा। इसने हमको दे दिया ये मेरा हाथ में आ गया। अब देखता हूँ ये कैसा है खाने में। पहले मैं आलू टेस्ट करूँगा। आलू आलू है नॉर्मल हल्का सा इसमें फिर भी टेस्ट ठीक है। मतलब यहाँ के हिसाब से टेस्ट फिर भी ठीक है। तो गर्म बहुत है मेरे को मिर्च वगैरह तो लगने जिस हिसाब से इसमें डाली। हेलो हो सकता है गर्म गर्म हो पैसा मैं इसकी वजह से नहीं लग रही हो। एक बार पनीर रोटी मैंने मैंने पैसा मैं ठीक है तो मैं शाम मैं कुछ इतना से सुन ना और ये मशाला ये ठीक है।